गाइस, आज हम बनाएंगे गरम मसाला। इसके लिए हमने 25 ग्राम काली मिर्च ली है, 3 हमने बड़ी इलायची ली है, 4-5 हमने हरी इलायची ली है, सहा जीरा लिया है हमने 25 ग्राम, लौंग लिए है हमने 25 ग्राम और एक हमने जायफल लिया है। ये जावित्री और डोडा है, जो इसके 4-5 फूल जावित्री के और 4-5 डोडा लिया है हमने। ये किसी भी राशन की दुकान पर आराम से मिल जाएंगे आपको। ये हमने 25 ग्राम धनिया है, साबुत धनिया है, ये 5 तेज पत्ते लिए हैं, सौंठ लिए हमने 25 ग्राम, 25 ग्राम जीरा है सिंपल जीरा और 25 ग्राम ये दालचीनी है। अभी हम इन सबको भून लेंगे पैन में, थोड़ा सा इनकी नमी निकाल लेंगे। काली मिर्च, इलायची, हरी इलायची, सादी इलायची, सहा जीरा, जावित्री, डोंडा, दालचीनी, धनिया, जीरा, तेज पत्ता, सौंठ, लौंग और जायफल, इन सबको हम अच्छे से 1-2 मिनट तक थोड़ा सा भून लेंगे। ज्यादा नहीं भूनेंगे, धीमी आंच पर, थोड़ा सा इनकी नमी निकल जाए जिससे कि अच्छे से पिस जाए। हमने धीमी आंच पे इसको भून लिया है, ज्यादा नहीं भूनना है इसको, थोड़ी इसकी नमी खत्म करने के लिए हम भूनते हैं। अभी देखिए इसमें जायफल है, ये जायफल को हम, ये बहुत हार्ड होता है, ये मिक्सी पे हमारे ब्लेड को थोड़ा खराब कर सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं कूट लूंगी। इस तरह से कूट के जब पीसेंगे इसको, अभी सब मसालों को जार में डाल देंगे। पीस लेते हैं, ये पीस चुका है, निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा गरम मसाला बना है, घर में बना हुआ गरम मसाला बिना मिलावट के, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, इसको आप जरूर ट्राई कीजिए। बाहर के बाजार के मिलावटी बाजार मसालों से बहुत ही अच्छा खुशबूदार और हेल्दी मसाला है ये, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।